एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता लेकिन एक बात जानता है, आप जानते बहुत से लोग, मैंने बहुत से स्थानों में ऐसा देखा है, दुनियावी संस्थाओं में भी देखा है, बॉलीवुड में देखा है, अलग जगहों पे देखा है, जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल है, और जो उनकी बेइज्जती करते हैं वो टैलेंटेड होने के बावजूद भी फेल हो रहे हैं। पता है क्यों? बाइबल में लिखा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक वैज्ञानिक जो कुर्सी के ऊपर है, चाहे वो बलि परमेश्वर पे इतना नहीं करता या पब्लिक के सामने नहीं बताता, लेकिन उसे मालूम है कि ये व्हीलचेयर मुझे रोक नहीं सकती, और वो दुनिया का नंबर वन वैज्ञानिक बन जाता है। सुनो मेरी बात, आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए, मनन करो। हां, सोचो ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बाइबल के वचनों को पूरा कर रहे हैं और वचन उनके लाइफ में काम कर रहे हैं, हा या ना? उन्हें मालूम नहीं बाइबल में लिखा है, लेकिन वो उनकी उनकी पैदाइश ऐसी है कि वो अपने माता और पिता का आदर कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम बाइबल में लिखा है ऐसा। इमेजिन करो अगर आप बाइबल को अपना फ्रेंड बना लें, अपना दोस्त बना लें, आप सक्सेस की कौन सी सीढ़ी पे जा सकते हो, किस लेवल पे जा सकते हो? उसने कहा मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा? एक क्रिश्चियन को यह समझना चाहिए कि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूं, परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी में बड़ी और भारी और जबरदस्त है, और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा था अपने दास को, मैं तेरे साथ हूं, आज के बाद जो भी काम तुझे मिले उस काम में तू लग जाना और मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने लोगों को देखा है, कोई काम इस दुनिया में छोटा या बड़ा नहीं। एक सैलून वाला आज भी 50 रुपीज लेते हैं, और सेलिब्रिटी वाले सैलून वाले आज भी बिजी हैं, और सेलिब्रिटी के बुलाने पर भी उनको टाइम देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हां है, दोनों बाल, दोनों ने बाल काटने, लेकिन एक ने अपने काम में परफेक्शन हासिल की है, और दूसरा उठता है बस जो 47 का सीखा हुआ है जैसे वैसे ही करता है, बस रोज वैसे ही काटता है, और एक रोज ट्रेनिंग लेने जाते हैं, रोज सेमिनार लेने जाते हैं। आप जिस भी काम में हो उस काम के मास्टर बन जाओ। दुनिया की बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के मालिक कभी मिस्त्री रहे होंगे, लेकिन अपने काम में मास्टर बन गए। और कई मिस्त्री आज भी मिस्त्री है, 40 साल से उनका नाम ही मिस्त्री है। मिस्त्री, उनका नाम ही क्या है? अभी तुम्हारा नाम ठेकेदार पढ़ना चाहिए था, फिर बाबूजी पढ़ना चाहिए था, लेकिन तुमने काम नहीं किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जहां आप हो वहां अपनी उपयोगिता दिखाओ, क्योंकि आपका मालिक आपको तनख्वाह काम करने की देता है, ड्रामा क्रिएट करने की नहीं। जितने ड्रामा होंगे उतने कट लग जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा, और जितना आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, आप चीजों को आगे लेके जाएंगे, अपनी तरक्की करेंगे, जहां आप काम करते वहां की तरक्की करेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप वंडरफुली बनाए गए हैं, आप अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी चर्च।